हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द यूनाइटेड नेशंस। दैट मींस वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द यूएन। ओके, सो ये क्या होता है, इसमें क्या सब होता है, वो सब चीज़ें आज हम जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स ड्वेल ऑन दैट। सो सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, कब फॉर्म हुई थी, ये सब चीज़ें। ओके, सो यूनाइटेड नेशन जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 में फाउंड करी गई थी। एंड अभी करेंटली इसमें कितने मेंबर्स हैं? इसमें करेंटली 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशंस जो है इसका काम क्या है? तो इसका काम क्या है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट वर्क इसका क्या है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवर करना, फोर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट करना। किसको प्रमोट करना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना एंड इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करना। ओके, सो दीज आर द मेन एक्टिविटीज़ और मेन वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने क्या देखा इंट्रोडक्शन में कि ये कब फाउंड हुई थी, ठीक है, करेंटली इसमें कितने मेंबर्स है, इसके एक्टिविटीज़ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये कब फाउंड हुई थी या इसमें करेंटली कितने मेंबर्स है या इसका मेन वर्क क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली, दैट मीन्स इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करती है ये। तो ये सारी पांच पॉइंट्स है जिसमें अपन ने क्या बोला, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमैनिटेरियन एड को डिलीवर करना एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करना एंड द लास्ट इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करना। ओके, नाउ ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इससे पहले एक और थी, दैट इज़ लीग ऑफ नेशंस, बट वो सक्सेसफुल नहीं रही थी, इसलिए 1945 में किसकी एंट्री हुई, यूनाइटेड नेशंस की एंट्री हुई। तो द फॉररनर ऑफ द यूएन वाज लीग ऑफ नेशंस। फॉररनर मतलब यूएन से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो लीग ऑफ नेशंस थी, बट वो सक्सेसफुल नहीं रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस की एंट्री हुई। अब ये जो लीग ऑफ नेशंस है ये फॉररनर है यूएन की, जैसे कि मैंने अभी बताया फॉररनर मतलब होता है कि यूएन से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो लीग ऑफ नेशंस थी। क्योंकि कब क्रिएट हुई थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसके सर्कमस्टांसिस में ये क्रिएट हुई थी, दैट मीन्स 1919 में ये क्रिएट हुई थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था। अब आपको मेरे को बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या है, कब से लेके कब तक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, ठीक है। अब ये जो 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलीस के अंडर जो है ये लीग ऑफ नेशंस बनी थी, ठीक है, और क्यों बनी थी, क्या रीज़न था उसका बनने का, तो उसका रीज़न ये था ताकि ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट कर पाए एंड इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी अचीव कर पाए। तो इस वजह से लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सलीस इन 1919। ओके, एंड वैसे ही एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को एज अ एफिलिएटेड एजेंसी बनाया गया था ऑफ लीग ऑफ नेशंस, वो भी कब बनाया गया था, 1919 में अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सलीस। तो ये तो अपन ने देखा कि हिस्ट्री ऑफ यूएन फाउंडेशन एंड उसका इंट्रोडक्शन देखा। अब ये जो यूएन है, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशंस, इसके छः ऑर्गन्स है, कौन कौन से, द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो, इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन 200% आएगा, और वो भी कम मार्कर में नहीं, ज़्यादा मार्कर में ही आएगा, मान के चलो 15 मार्कर वाले में, 5 मार्कर वाले में आएगा, तब इसमें एक आध ऑर्गन एक्सप्लेन करना होगा आपको, 6 के 6 ऑर्गन एक्सप्लेन नहीं करने पड़ेंगे, बट 15 मार्कर में एक या दो ऑर्गन भी एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, तो हो सकता है 6 के 6 ऑर्गन्स जो है वो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने हो, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाना हो, तो ये चीज़ भी हो सकती है। इन 6 ऑर्गन्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जैसा कि मैंने बोला कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ वीडियो को आगे तक कंटिन्यू करना, नहीं तो नहीं समझ में आएंगे आपको ये ऑर्गन्स। ओके, सो द फर्स्ट ऑर्गन इज जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली क्या है, जितनी भी मेंबर नेशंस है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनकी एक मीटिंग होती है, ठीक है,
तो अब ये मेंबर नेशंस कौन है? जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि करंटली यूएन जो है 193 मेंबर्स से बनी हुई है, तो वो जो 193 मेंबर्स है उसके एक एक रिप्रेजेंटेटिव या दो दो रिप्रेजेंटेटिव जो है उनकी जो मीटिंग होगी दैट इज। अब यहाँ पे हर एक मेंबर जो है वो कितने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज सकता है, तो अप टू 5 रिप्रेजेंटेटिव्स वो भेज सकता है, उससे ज़्यादा नहीं भेज सकता। अब लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो हर एक नेशन होगा, जैसे कि मैंने बोला 193 मेंबर नेशंस, तो सपोज इंडिया से 5 रिप्रेजेंटेटिव चल गए, बट वोट एक ही माना जाएगा, 5 का अलग वोट नहीं होगा, उन वो जो 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनका अलग वोट नहीं होगा, उनका एज अ कंट्री एक ही वोट होगा। तो देयर इज ओनली 1 वोट पर नेशन, ठीक है, पर नेशन कितना वोट होता है? 1 वोट होता है, बट रिप्रेजेंटेटिव्स 5 हो सकते हैं बट वोट एक ही होगा। एंड सेकेंड चीज़, ये जो जनरल असेंबली की मीटिंग होती है ये वंस अ ईयर होती है, जो कि स्टार्ट होती है सेप्टेम्बर में एंड रिमेनिंग इन सेशन फॉर अबाउट 3 मंथ्स। बट जो स्पेशल सेशंस है उनको किस टाइम पे बुलाया जा सकता है? क्राइसिस के टाइम पे बुलाया जा सकता है। किस किस के द्वारा? सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा या उनके मेंबर्स के द्वारा। दैट मीन्स किसके मेंबर्स? यूएन के मेंबर्स, मतलब जितने भी यूएन के मेंबर नेशंस हैं, या तो उनके द्वारा या फिर सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा स्पेशल सेशंस बुलाए जा सकते हैं इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अब ये जो जनरल असेंबली है इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन ये है कि किसी भी डिसीजन पे डिस्कस करना एंड उस डिसीजन को लेना कि किसके बारे में, अबाउट द इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, जितने भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है उस पर पहले उस पे डिस्कस करना, उसके बाद उस पर एक डिसीजन लेना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली, ठीक है। सेकेंड चीज़, टू कंसिडर द यूएन बजट, यूएन बजट को देखना कि कितना बजट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ के बारे में देखना। थर्ड, व्हाट अमाउंट ईच मेंबर शुड पे एंड उस यूएन बजट में हर एक मेंबर को कितना पे करना चाहिए, मतलब हर एक मेंबर नेशन को कितना पे करना चाहिए, तो वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना। सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स को इलेक्ट करना, ठीक है, एंड सुपरवाइज करना अदर यूएन बॉडीज़ के वर्क को, जितनी भी अदर यूएन बॉडीज़ है उसके वर्क को सुपरवाइज करना। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं जनरल असेंबली के। सो अब जो डिसीजंस होते हैं, जितने भी जनरल असेंबली में डिसीजंस बनते हैं उस पर यूनानिमस वोट की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल मेजोरिटी भी चल जाएगी। दैट मीन्स ज़रूरी नहीं कि सबकी हाँ हो, अगर मेजोरिटी भी है तो भी वो चल जाएगा। मेजोरिटी कितनी चाहिए होती है? 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। एंड जितने भी यहाँ पे स्पीच और डिबेट होते हैं इनको 6 यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, दैट इज़ इंग्लिश में, फ्रेंच में, रशियन में, चाइनीज, स्पैनिश एंड अरेबिक, ठीक है। इन सारी लैंग्वेज में जितने भी स्पीच और डिबेट होते हैं उसको ट्रांसलेट किया जाता है इन सब लैंग्वेज में, ओके। तो नाउ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 193 मेंबर नेशन से, तो उसमें से अफ्रीका ग्रुप के कितने हैं? 54 है। एशिया पैसिफिक ग्रुप के हैं 53, ईस्टर्न यूरोप ग्रुप के हैं 23, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर, इनके कितने हैं? 33 और 29, मतलब लैटिन अमेरिकन कैरिबियन के हैं 33 एंड वेस्टर्न यूरोप एंड अदर के हैं 29 एंड नो ग्रुप के 1 बेसिकली। तो ये सब मिला के हो जाते हैं 193 मेंबर नेशंस। सो यहाँ पे डिवाइड कर रखा है कि कौन कितने कहाँ से हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे डिवाइड कर रखी है, ओके। नाउ इस जनरल असेंबली में 6 मेन कमिटीज़ होती है, जो कि क्या करती है? ड्राफ्ट रिजोल्यूशंस प्रिपेयर कर सकती है, ठीक है। अब वो 6 मेन कमिटीज़ कौन सी होती है? पहली होती है डाइसेक, डाइसेक मतलब डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। सेकंड इज इकोफिन, इकोफिन मीन्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल। थर्ड इज SOCHUM, दैट इज सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल। फोर्थ इज SPECPOL, SPECPOL, दैट इज स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकॉलोनाइजेशन। फिफ्थ इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी एंड द सिक्स्थ वन इज लीगल। सो ये 6 मेन कमिटीज़ होती है जो क्या कर सकती है? ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को प्रिपेयर कर सकती है। फर्स्ट ऑर्गन तो हमने देखा द जनरल असेंबली, सेकेंड आता है द सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है वो सब हम देखते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कहाँ बैठती है? परमानेंट सेशन में बैठती है, और इसका फंक्शन क्या होता है? क्राइसिस के साथ डील करना, जैसे ही वो अराइज हो, जैसे ही कोई क्राइसिस आए उसके साथ डील करना, उनको जो उस टाइम एक्शन सही लगे उस एक्शन के साथ उनको डील करना है, ठीक है। एंड अगर नेसेसरी हो तो वो क्या कर सकते हैं? मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं कि वो इकोनॉमिक मिलिट्री एक्शन ले अगेंस्ट एन अग्रेसर, किसी भी अग्रेसर के अगेंस्ट वो क्या करे? इकोनॉमिक और मिलिट्री एक्शन ले।
ठीक है, तो उस टाइम उनको जो भी एक्शन सही लगे या तो उस एक्शन के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, क्राइसिस के साथ डील कर सकते हैं, और अगर नहीं हो तो वो क्या कर सकते हैं, मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं कि वो क्या करें, इकोनॉमिक और मिलिट्री एक्शन ले अगेंस्ट एन अग्रेसर। अब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें स्टार्टिंग में 11 मेंबर्स थे, 5 परमानेंट मेंबर्स थे एंड 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे। ठीक है, तो परमानेंट मेंबर्स कौन थे, चाइना में पहले वाला ताइवान, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर एंड ब्रिटेन। तो ये तो 5 परमानेंट मेंबर्स थे। ठीक है, और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है इनको इलेक्ट किया जाता था बाय द जनरल असेंबली फॉर 2 ईयर टर्म्स, मतलब कितने साल के लिए, 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता था बाय द जनरल असेंबली। बट 1965 में क्या हुआ, परमानेंट मेंबर्स तो अभी भी 5 है, बट 1965 में नॉन परमानेंट मेंबर्स 6 से इंक्रीज होके कितने हो गए, 10 हो गए। अब कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है तो उसमें से 15 मेंबर, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, टोटल कितने हो गए 15 मेंबर, इसमें से कितने की फेवर चाहिए होती थी, 9 मेंबर्स की फेवर चाहिए, जिसमें 5 परमानेंट तो इंक्लूड होते ही है, मतलब 5 परमानेंट की तो फेवर होनी चाहिए, वो डिसीजन को फेवर करने ही चाहिए। अगर कोई भी एक डिसीजन को फेवर करने से मना कर देता है या उसके अगेंस्ट में है तब वो डिसीजन आगे जो है नहीं लिया जाएगा। दैट मीन्स कि परमानेंट मेंबर के पास एक तरीके से क्या पावर है, वीटो की पावर है, और मतलब वो बचा सकते हैं किसी भी एक्शन को या किसी भी डिसीजंस को लेने से वो बचा सकते हैं, मतलब वो उस डिसीजन को नहीं लेने दे सकते अगर वो अगेंस्ट में हो गए तो। तो 5 परमानेंट मेंबर्स की तो हाँ होनी चाहिए, बट टोटल कितने मेंबर्स की हाँ होनी चाहिए, टोटल 9 मेंबर्स की हाँ होनी चाहिए। ओके, इन प्रैक्टिस ये ग्रेजुअली एक्सेप्ट किया जा रहा है कि अगर कोई भी परमानेंट मेंबर जो है एब्सटेन कर देता है फ्रॉम वोट, मतलब वो वोट देने से मना कर देता है, तो उसको वीटो की तरह काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब ये नहीं बोला जाएगा कि उसकी ना है, उसको वीटो की तरह काउंट नहीं किया जाएगा, बट ऐसा कहीं भी चार्टर में नहीं लिखा हुआ है। तो 1965 में कौन कौन थे परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स, तो ये तो है 5 परमानेंट मेंबर्स, दैट इज चाइना, फ्रांस, US, USSR एंड ब्रिटेन। तो ये तो है 5 परमानेंट मेंबर्स। ओके, और नॉन परमानेंट मेंबर्स में अफ्रीका में से 3 है, एशिया पैसिफिक में से 2, ईस्टर्न यूरोप में से 1, लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन में से 2 एंड वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर्स में से 2। तो ये टोटल कितने हो गए, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हो गए। ओके, तो ये तो हो गया सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। अब थर्ड ऑर्गन आता है द सेक्रेटेरिएट, ये बहुत ही छोटा सा है, इसमें ओनली 3 पॉइंट्स इंक्लूड है बस, दैट्स इट, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी काउंसिल एंड एक और आएगा जो मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, अब ये जो सेक्रेटेरिएट है, दिस इज द ऑफिस स्टाफ ऑफ द यूएन, ये यूएन का ऑफिस स्टाफ है। ठीक है, एंड इसमें कितने एम्प्लॉयज है, तो इसमें ओवर 50,000 एम्प्लॉयज है, एंड उनका क्या काम है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखते हैं और मीटिंग्स प्रिपेयर करते हैं, ट्रांसलेशंस करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारा काम है उन ऑफिस स्टाफ का, जिसमें मैंने बताया ओवर 50,000 एम्प्लॉयज़ हैं और उन एम्प्लॉयज़ का ये सब काम है। ओके, अब इसको कौन हेड करता है, तो इसको सेक्रेटरी जनरल हेड करता है, जिसको 5 ईयर टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है, मतलब 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है, असेंबली अपॉइंट करती है, दैट मींस जनरल असेंबली अपॉइंट करती है, किसकी रिकमेंडेशन पे, दैट मींस किसकी सजेशन पे, तो सिक्योरिटी काउंसिल के सजेशन पे जो है जनरल असेंबली अपॉइंट करती है किसको, सेक्रेटरी जनरल को, जो कि क्या करता है, हेड करता है सेक्रेटेरिएट को फॉर 5 ईयर टर्म, दैट मीन्स 5 साल के लिए। अब ये जो सेक्रेटरी जनरल होता है, ये किसी भी मेजर पावर से नहीं होता, ताकि क्या इंश्योर किया जा सके, इम्पार्शलिटी इंश्योर की जा सके, दैट मीन्स कोई भी पार्शलिटी ना हो, इस वजह से ये कोई भी मेजर पावर्स में से नहीं होता, कौन, सेक्रेटरी जनरल, और ये यहाँ का मेन स्पोक्स पर्सन होता है। सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो सेक्रेटेरिएट का जो है मेन स्पोक्स पर्सन होता है। तो दैट वॉज ऑल अबाउट द सेक्रेटेरिएट। तो आज हम इतने ही 3 ही ऑर्गन्स कवर करेंगे यूएन के, बचे हुए 3 ऑर्गन्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट, और मैं उसको जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी, एंड प्लीज़ दोनों पार्ट को कंटिन्यू देखना, सो दैट आपको क्लियर हो कि क्या चीज़ है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई भी पार्ट आप स्किप मत करना, इस पार्ट 1 को भी देखना एंड पार्ट 2 को भी देखना प्लीज़।
सो आज का आपका क्या होमवर्क है कि आपको कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड क्या था, दैट मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था एंड कब एंड हुआ था, दैट यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो अबाउट एनी पॉइंट और अबाउट एनी टॉपिक, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा बहुत भी आपको कुछ समझ में आया हो, थोड़ा बहुत कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, देन प्लीज स्मैश दैट थम्स अप बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। So yeah, bye bye, take care.